हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीपी गुप्ता आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं और वो टॉपिक है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एपोगेमी एंड एपोस्पोरी दोनों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, कॉमनली इन टेरिडोफाइट्स। यानी टेरिडोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा होता है और स्पेशली कुछ फर्न्स हैं और इन ब्रायोफाइट्स में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं दोनों ही। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एपोगेमी क्या है। एपोगेमी इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि इसमें डेवलपमेंट होगा हैप्लॉयड स्पोरोफाइट का। किसका डेवलपमेंट होगा? हैप्लॉयड स्पोरोफाइट का। जबकि सामान्य केसेस में स्पोरोफाइट 2N होता है, डिप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ हैप्लॉयड स्पोरोफाइट बनेगा और वो भी किससे? हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से, बिना गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन के। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जब 2N जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एपोगेमी में कि हैप्लॉयड स्पोरोफाइट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से डायरेक्ट ही डेवलप हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए टेरिडोफाइटा की जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो होती है प्रोथैलस और मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट। तो यहाँ आप देखेंगे एपोगेमी में जो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट है, वो प्रोथैलस एपोगेमी के द्वारा एम्ब्रियोजेनेसिस करता है और स्पोरोफाइट बना देता है, यानी मेन बॉडी जैसा दिखता है। यानी यहाँ पर प्रोथैलस या गैमेटोफाइट डायरेक्ट ही मेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं एपोगेमी। तो क्या हुआ एपोगेमी? हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से हैप्लॉयड स्पोरोफाइट बनना, बिना गैमेट बनना और उनके फ्यूजन के। ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या है? एक ये भी आप देख लें कि जो भी आपको यहाँ दिख रहा है स्पोरोफाइट वो N ही होगा, ये स्पोरोफाइट N होगा। इज इट क्लियर? तो देखिए अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से ये होता है। सबसे पहले तो मैं आपको जीन का जो रीजन है वो बता रहा हूँ। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट के लिए और कुछ होते हैं गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पोरोफाइट डेवलपमेंट के लिए, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी प्रोथैलस के अंदर ही स्पोरोफाइट डेवलपमेंट वाले जीन एक्टिवेट होकर के क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट बना देते हैं। इज इट क्लियर? और क्या क्या कारण होंगे अब एपोगेमी क्यों करते हैं प्लांट? तो एपोगेमी करने का मेन कारण क्या है? एज्ड प्रोथैलस, अगर बहुत पुराना प्रोथैलस हो जाता है और उसमें गैमेट नहीं बन पा रहे हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी कुछ सेल जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्टिवेट होकर के स्पोरोफाइट बना देती हैं। इज इट क्लियर? तो क्या क्या कारण है? एक तो प्लांट यानी प्रोथैलस एज्ड हो जाए या फेल टू प्रोड्यूस गैमेट, उसके अंदर गैमेट नहीं बन पा रहे हो, देयर विल बी लेस चांस फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट बन गए लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं हो पा रहे हो, फेलियर ऑफ सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन, प्रोथैलस के अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं बन पा रहे हो। आपको मालूम है ना टेरिडोफाइटा में सेक्स ऑर्गन प्रोथैलस के अंदर ही बनते हैं। और प्लांट फेल टू कैरी आउट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, यानी प्लांट के अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, आइदर ड्यू टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती है जिससे प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इन सब रीजन से क्या होता है एपोगेमी हो जाती है।
तो क्लियर हुआ आपको एपोगेमी कि भाई यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेगा हैप्लोइड, और वो भी हैप्लोइड गैमेटोफाइट से। क्लियर। अब आप देखें एपोस्पोरी क्या है। एपोस्पोरी में क्या होगा, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। आपको पता होना चाहिए गैमेटोफाइट हमेशा कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, बट यहाँ पर डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनेगा, वो भी किससे, फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। यानी जो भी स्पोरोफाइट होगा, जैसे ये एक स्पोरोफाइट है, आप देखिए ये स्पोरोफाइट 2N है, इससे क्या होगा, गैमेटोफाइट कैसे बनता है, जब मियोसिस होता है, मियोसिस होता है तो ये स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। पर कभी कभी क्या होगा कि इससे डायरेक्ट ही गैमेटोफाइट बन जाएगा, और वो कैसा गैमेटोफाइट होगा, 2N होगा। अब इसका कारण भी वही होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट में ही गैमेटोफाइट बनाने वाले जीन होते हैं, बट वो इनएक्टिव रहते हैं, बट सर्टेन कंडीशन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं गैमेटोफाइट 2N का ही। और यानी कि जैसा गैमेटोफाइट है वैसा ही आपको ये दिखाई देता है। अब आप देखें इसके क्या कारण हैं एपोस्पोरी के। एपोस्पोरी अकर्स इन दोज टेरिडोफाइट विच सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ड्यू टू द लेक ऑफ मिनरल इन सॉइल। यानी अगर सॉइल के अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, तो मिनरल डेफिशिएंसी से उस प्लांट में गैमेटोफाइट डेवलप करने वाले जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, और स्पोरोफाइट से डायरेक्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इफ़ द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट डेवलप अंडर डिम लाइट, यानी बहुत डिम लाइट आ रही है स्पोरोफाइट के ऊपर या उसकी लीव्स के ऊपर कम लाइट आ रही है, तो एपोस्पोरी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि 2N स्पोरोफाइट बिना मियोसिस के ही, यहाँ देखिएगा मैंने मेंशन किया है विदाउट मियोसिस फॉर्मेशन और बिना स्पोर फॉर्मेशन के ही 2N गैमेटोफाइट से 2N स्पोरोफाइट बन जाता है, इसे हम कहते हैं एपोस्पोरी। अब बात आती है एपोस्पोरी और एपोगेमी में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। देखिए दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बोथ एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। आप देख सकते हैं दोनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बोथ ऑफ देम टेक प्लेस इन प्लांट, द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट शेयर द सेम प्लोइडी लेवल इन बोथ फिनोमिना। यानी गैमेटोफाइट से जब स्पोरोफाइट बनेगा तो दोनों NN होंगे, स्पोरोफाइट से जब गैमेटोफाइट बनेगा एपोस्पोरी में तो 2N 2N होंगे। बोथ ऑफ देम टेक्स प्लेस मेनली ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर इन एपोगेमी, एपोगेमी में कोई गैमेट ना तो बनते हैं ना गैमेट फ्यूज होते हैं, और ना ही एपोस्पोरी में स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हो गई कि दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं, दोनों की ही प्लोइडी लेवल सेम होता है, दोनों में ही क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दोनों में ही नहीं बनते हैं। बोथ ऑफ द पार्टिसिपेट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन अल्टरनेशन जनरेशन में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये देखिएगा एपोगेमी और एपोस्पोरी में। एपोगेमी इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर द गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द स्पोरोफाइट। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट डेवलप होगा गैमेटोफाइट से। प्लोइडी प्रोड्यूस ए डिप्लोइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस ए हैप्लोइड एम्ब्रियो, और इम्प्लीकेशन गैमेट्स आर फॉर्म्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, और यहाँ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये था आपका एपोस्पोरी और एपोगेमी। थैंक यू।